टू रोशनी निजामी क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अरुण कोलाटकर की पोयम द प्रिस्ट सन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। अरुण कोलाटकर जी एक इंडियन पोएट हैं और ये एक रिलीजन पर बेस्ड पोएट्री है, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोएट्री है। इसमें एक रिलीजियस मिथ को डिस्कस किया गया है, तो चलिए पोएट्री को शुरू करते हैं। और इसमें एक खंडोबा नाम का टेंपल है जो कि महाराष्ट्र में जेजुरी नाम के टाउन में खंडोबा नाम का टेंपल है, जहाँ पर लॉर्ड शिवा की वर्शिप हुआ करती थी। ओके, तो इसी पर ये पोएम डिस्कस की गई है। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। दिस फाइव हिल्स आर द फाइव डेमन्स दैट खंडोबा किल्ड। इसमें बताया जा रहा है, अरुण कोलाटकर जी बता रहे हैं कि एक जहाँ पर खंडोबा टेंपल है उसके बगल बगल में फाइव हिल्स है, पांच पहाड़ियाँ हैं। और माना जाता है कि जो लॉर्ड शिवा थे उन्होंने पांच दानवों का वध किया था और ये पहाड़ियाँ उसी को प्रतिबिंबित करती हैं, दर्शाती हैं। ओके, तो पहला पैराग्राफ हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अदर पोएम नहीं मिल रही है तो प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरुण कोलाटकर की एक और पोएम है द बटरफ्लाई, वो उस पर भी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं। और सेज द प्रिस्ट सन अ यंग बॉय हु कम्स अलॉन्ग एज योर गाइड एज द स्कूल वेकेशन। तो इसमें जो ये खंडोबा टेम्पल है वहाँ पर एक सेंट रहते हैं, यानी एक पंडित जी रहते हैं, उनका जो बेटा है वो, उनके अभी छुट्टी हो रही है, मतलब वो गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, तो वहाँ पर लोग टूरिस्ट दूर दूर से घूमने आते हैं कि जो मिथ है रिलीजियस मिथ, उसके वजह से लोग दूर दूर से देखने आते हैं क्या सच में ये जो फाइव हिल्स वाला मिथ है वो रियल है या फेक है। तो अभी जो पंडित जी का बेटा है वो गाइड की तरह काम करता है, लोगों को दिखाता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा है, वो पूरे मंदिर को मतलब भ्रमण कराता है, घुमाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो प्रिस्ट का सन है छोटा बच्चा जिसकी वेकेशन चल रही है, वो एक एज अ गाइड के रूप में काम कर रहा है। आगे के पैराग्राफ में देख लीजिए आप। हाँ, डू यू रियली बिलीव दैट स्टोरी यू आस्क हिम। यानी जो टूरिस्ट रहता है जिसको वो बच्चा घुमाता रहता है वो बोलता है, क्या तुम खुद इस स्टोरी पर मतलब इस मिथ पर बिलीव करते हो? तो जो बेटा रहता है उस पंडित का, प्रिस्ट का, वो बोलता है ही डजंट रिप्लाई बट मेयरली लुक अनकम्फर्टेबल श्रग एंड लुक्स अवे। तो वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है तुरंत से, और केवल इधर उधर मतलब अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है और अपने सिर को ऊपर करके दूसरी तरफ देखने लगता है। चलिए देखते क्या देखने लगता है, आगे के पैराग्राफ में देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे है, एंड हैपन्स आ नोटिस अ क्विक विंक मोमेंट, और कुछ हल्की सी हलचल को नोटिस करता है और देखता है, इन अ स्कैंटी पैच ऑफ स्क्रफी ड्राई ग्रास बर्नड ब्राउन इन द सन। जो स्कैंटी पैच ऑफ स्ट्रबी ड्राई ग्रास, यानी छोटी सी जो सूखी घासें हैं वो सूरज की धूप से जल गई हैं। एंड सेज, और कहता है, लुक देयर्स अ बटरफ्लाई देयर, वहाँ पर एक बटरफ्लाई है। तो इस कहानी का क्या मतलब हुआ, मतलब इस पोएम का क्या मतलब हुआ, आपको समझ नहीं आया होगा। इस पोएम का सिंबल सा मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रिस्ट का सन रहता है वो नॉन लिविंग थिंग की तरफ ज़्यादा फोकस ना करके लिविंग थिंग की तरफ फोकस करता है, और रिलीजियस मिथ को इस पोएम में दिखाया जाता है। तो बस इतनी सी पोएम थी, कंक्लूड हो गई है कि जो खंडोबा टेम्पल है वहाँ पर फाइव हिल्स हैं, वहाँ पर ये मिथ है कि जो लॉर्ड शिवा थे उन्होंने पाँच दानवों का वध किया था और अभी वो हिल्स जो है उसी को प्रतिबिंबित करती हैं, और जो प्रिस्ट का सन रहता है वो नॉन लिविंग थिंग की तरफ ज़्यादा फोकस ना कर लिविंग थिंग की तरफ करता है। और अरुण कोलाटकर जी कहते हैं कि हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। तो यही हमारी प्यारी सी पोएम एंड होती है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।